देखिए, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार शाम से ही बरसात का जो दौर शुरू हुआ वो अगस्त के पहले दिन से पूरा दिन जारी रहा और आज है 2 तारीख। और बता आपको ये दें कि बारिश का साइड इफेक्ट अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी देर रात तक पानी बरसा है। हालांकि जयपुर में ज़रूर आज सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी रुक रुक कर मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है ताकि सावधान रहे और वैसी कोई घटना ना घटे जैसे कि हमने देखी विश्वकर्मा इलाके में। 12वीं तक स्कूल भी बंद किए गए क्योंकि हमने देखा क्या मंजर कल था। हमने देखा कि किस प्रकार से सड़कें धस गई, जो स्कूल वैन थी वो हमने धसती देखी, जेसीबी धसती हमने देखी। स्थिति कल की क्या थी वो मुझे लगता है कि आपने अगर देखा हो मंजर तो आप कह सकते हैं कि हैरान कर देने वाली तस्वीरें रहीं। तबाही के बाद आज की जो पहली तस्वीर आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर किस प्रकार से कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है और स्थिति बद से बदतर, क्योंकि बारिश के बाद जो स्थिति होती है उसके बाद में फैलती हैं बीमारियां और इससे निपटना बड़ा ज़रूरी। दीपक का हम रुख एक बार फिर से करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी कनेक्ट हैं। इनफैक्ट हम शुरुआत दीपक से एक बार फिर से करेंगे। दीपक, कई जगह सड़कें धसी, कचरा कचरा शहर हो गया, आज का मंजर आपने बताया। अगर ये स्थिति बनी रही तो जिस प्रकार से कचरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दीपक, ये तो बीमारियों को भी दावत देगा, इससे बीमारियाँ भी फैलेंगी, स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब होगी। इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? अभी भी सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। बीमारियों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट जयपुर नगर निगम का CHO जो अधिकारी हैं वो जल भराव वाली स्थिति पर एंटीलार्वा या फोगिंग का छिड़क करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कचरे से बीमारियां फैलना तय है। कचरा सड़कों पर है तो बीमारियां भी होंगी, जल भराव है तो मच्छर भी यहाँ पर पैदा होंगे। तो क्या हमारा सिस्टम जिस तरह की तैयारियां करनी चाहिए और जो एक प्रक्रिया रहती है कि मानसून के दौरान आपको क्या क्या करना है वो करने में फेल नज़र आ रहा है। बारिश हुई लेकिन उसके दंश, उसके जख्म, उसके निशा आज भी यहाँ पर हैं। वो निशा आपको बताने के लिए काफ़ी है कि मैं अभी कुछ देर पहले भी तस्वीरें दिखा रहा था और उससे पहले भी यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा था कि अब ऑफिस समय जब होगा यहाँ पर, जब आपको इस रूट पर जो रफ्तार देखने को मिलेगी वो आप बताएंगे कि कितना यहाँ पर जल भराव है, हमारा सिस्टम कितना नाकारा, कितना लचर और कितना लाचार है, ये पानी बताता है। ये VIP मूवमेंट रहता है इस रूट पर, VIP रूट है, हमारे पास संसाधन क्या इतने नहीं हैं कि यहाँ मड़पंप लगाकर इस पानी की निकासी कर ली जाए या फिर इन पेड़ पौधों के अंदर दे दिया जाए जो आपको ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि हमारे सिस्टम के पास ना तो मोबाइल कह सकते हैं मड़पंप है, ना ही यदि मड़पंप है तो उनके पाइप लीकेज हैं। जिस तरह से सिस्टम लीकेज है इस तरह से उसके पाइप भी लीकेज है, वो कल हमने तस्वीरों में भी दिखाया जब 3 लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो किस तरीके से वहाँ पूरा सिस्टम है लीकेज होता हुआ नज़र आ रहा था, पाइप लीकेज है, हमारे पास पाइप तक नहीं है। तो ये हमारी व्यवस्थाएँ हैं मानसून की पहले की तैयारियाँ, ये कागज़ पर बोलती हैं, ये बताती हैं कि हमारे पास इतने मड़पंप हैं। दिया कुमारी ने खुद ने कल, डिप्टी CM है जो, या उन्होंने खुद ने कल माना है कि नगर निगम के पास संसाधन बढ़ाने उनकी होंगे क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, इतने मड़पंप नहीं हैं कि यदि एक विधानसभा यानी कि जयपुर शहर के अंदर जो 10 विधानसभा है, यदि वहाँ 10 विधानसभा के अंदर कहीं बेसमेंट्स में पानी भर जाता है तो 10 हम मड़पंप भेज सकें, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। हैसियत कैसे होगी? हैसियत तो हमारे इस पानी को संजोने की भी नहीं है, हमारे सिस्टम के पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम इस पानी को सजो सकें। हमारे पास वाटर लॉकिंग जहां होती है हम वहां दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने चाहिए वहां पानी को सजो नहीं पा रहे हैं, फिर कहते हैं कि पानी की किल्लत आ गई है। जब नॉर्म्स बने हुए हैं कि एक आपको यदि इतने वर्ग मीटर का यदि आपका मकान है इतनी सीमा में बना हुआ है तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है, इसका पैसा भी नगर निगम के जोन या शाखा में जमा होता है, लेकिन आज तक आप जो लोग हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते नहीं हैं और ना ही किसी ने जहमत करी नगर निगम में जाने की कि साहब हमारा ये सर्टिफिकेट है ये हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया और जो हमने हमारी राशि जमा कराई थी उसे रिफंड कर दीजिए। रिफंड लेने तो आज तक कोई आया ही नहीं, लोग तो सेटबैक लोगों ने बनाना बंद कर दिया। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जब हम पानी के सजोनों की बात करते हैं जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है बचपन से कि पानी बचाओ, जल बचाओ, बिजली
बिजली बचाओ, लेकिन क्या वो मान्य या सरकारें जिनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है या वो प्रशासन जिसकी जो सरकारी एजेंसियां जो नॉर्म्स बनाती हैं जो नियम कायदे बनाती हैं क्या उन्होंने इस पर अमल करने की कोशिश की गई है कि हमने इस व्यक्ति ने हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए अमानत राशि जमा कराई थी, क्या आपने वहाँ जाने की चेक करने की जहमत उठाई है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना या नहीं बना, और यदि कहीं सरकारी कार्यालयों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो या तो वो खराब पड़े हैं या बिल्कुल वहाँ पानी जाता ही नहीं है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारे इंजीनियर हैं वो उनकी इंजीनियरिंग इस पानी ने फेल कर दी है, हमारे शायद इंजीनियरों को ये भी नहीं पता कि कहाँ निकासी करनी है, कहाँ ढलान करनी है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ उतारना है पानी को, हमारे इंजीनियरों को ये भी शायद नहीं पता कि पानी का जहाँ ढलान है वहाँ निकासी होना ज़रूरी है, सड़क बना रहे हैं तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी होना ज़रूरी है, आधी आबादी जयपुर की बिना ड्रेनेज सिस्टम पर रह रही है, कई जगह तो सीवरेज की लाइनें नहीं है, कॉलोनियाँ बस गई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा तंत्र जो सरकारी तंत्र है जो राजधानी में पोस्टेड हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं वो ब्यूटीफिकेशन पर ज़्यादा और जनता के जो दुख होते हैं उस पर कम ध्यान देता है, उनकी समस्याओं का निदान करने पर कम ध्यान देता है। आप देखिए इस पूरे इलाके को, आप रामबाग से जाइए और आप सीधे सिविल लाइन तक चल जाइए, इस पूरे इलाकों को चकाचौंध कर देंगे, पेंटिंग बना देंगे, यहाँ पर रंगोलियाँ कर देंगे, ब्यूटीफिकेशन कर देंगे, पाथवे बना देंगे। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पाथवे बना रखे हैं लोगों को पैदल चलने के लिए, लेकिन पैदल कैसे चलेगा, पानी का जल भराव है, ये पाथवे बना रखा है लोगों को पैदल चलने के लिए, सहूलियत देने के लिए। आपने सहूलियत दी, ब्यूटीफिकेशन किया, लेकिन उन मान्य को आँखों को उनकी चकाचौंध करने के लिए जो कि या तो सचिवालय में बैठते हैं या सिविल लाइन के अंदर रहते हैं, उनकी इसलिए क्योंकि वो जब इस रूट से निकले तो उन्हें इस शहर की खूबसूरती जो चमकदार चेहरा है वो दिखाई दे, लेकिन आप जनता की तो सुध लीजिए कि आपने इस खूबसूरती के कारण सब कुछ तबाह कर दिया है। दीपक देखिए एक चीज आपने बहुत सही कही कि आप बस वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, आपका ध्यान विश्वकर्मा इलाके पर नहीं जाता जहां पर एक बड़ा मजदूर वर्ग रहता है।